विश्व कैंसर दिवस के मौके पर संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में एक शिविर लगाया गया। यहां रोगियों की जांच की गई और साथ ही लोगों को जागरूक रहने की समझाइश दी गई। विंध्य क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या काफी ज्यादा है। यहां पर तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या ज्यादा होने से मुंह के कैंसर की रोगी काफी ज्यादा है। हम आपको बता दें, कैंसर रोग का प्राथमिक स्टेज में ज्यादातर रोगियों को पता ही नहीं चलता। एक्सपर्ट मानते हैं कैंसर का सबसे बड़ा कारण बदलती लाइफ स्टाइल, गुटखा और तंबाकू का सेवन है। रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में आशा केयर सेंटर यूनिट खुल जाने से विंध्य की जनता को काफी सहूलियत हो गई है। यहां पर मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज भी किया जा रहा है। माना जाता है कैंसर की 4 स्टेज होती है, पहले स्टेज का इलाज पूर्णतः संभव है। आज कैंसर विश्व में कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, उसी के तत्वाधान में आज ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कैंसर हो, मतलब जिनको हो ना जाए, उन मरीजों के लिए हमने आज कैंप लगाया है। जैसे कि लोग यहाँ पे रीवा में मुख्य द्वार का कैंसर पाया जाता है, पर इस कारण से कि यहाँ पर तम्बाकू ज़्यादा खाई जाती है। तम्बाकू ज़्यादा खाने के कारण यदि मुख में सफ़ेदी आ जाती है, मुख में सफ़ेदी आती है, कोई छाला हो जाता है या मुँह छोटा होने लगता है, उसके उसी सब लक्षणों के मरीज हमने आज जो एडवर्टाइजमेंट किया है उसी के लिए किया है कि इस तरह के मरीजों को यदि हम अभी देख लेंगे तो उनको कैंसर से बचाया जा सकता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि मतलब जो यंग लोगों में बहुत प्रवृत्ति है तम्बाकू खाने की, उन लोगों में ये प्रवृत्ति को कम करना, और हमारा उद्देश्य है कि रीवा हमारा कैंसर से मुख के कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि कैंसर को हमें इससे मुक्त कराना है, कैंसर के से और तम्बाकू खाने से जो यंग पीढ़ी है उनको। शिविर कब से कब तक चलेगा? ये शिविर हमारा आज 10 से 4 बजे तक चलेगा। अभी तक कितने लोग आए? लगभग हमने 20 मरीज देख लिए। जागरूक करने के लिए हमारा यही है कि मतलब जो लोग हैं तम्बाकू खाने से बचें, नशे की जो आदत है उससे बचें, और हमारे मतलब उनका जो स्वास्थ्य है स्वस्थ रहें और खुश रहें। शुभ नाम आपका? मैं डॉक्टर पुष्पा किरार हूँ। मैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज से 2015 में एजी सुपरिटेंडेंट और कैंसर की एचओडी थी। मैं जबलपुर में वाइस डीन भी रही हूँ। मैं वहाँ से 2015 में रिटायर हुई। उसके बाद मैंने ऐसा अपना उद्देश्य बनाया है कि मैं कैंसर मरीजों के लिए जितने से ज़्यादा उनको देखभाल कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। इसी सोच के साथ मैं रीवा।